मुंबई में एसोचैम की ग्लोबल इंश्योरेंस समिट का आयोजन किया गया, जहां देश में इंश्योरेंस सेक्टर की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की गई। समिट में एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस की सीईओ और ईडी शनाय घोष ने भी हिस्सा लिया। समिट के बाद जी बिजनेस से बात करते हुए उन्होंने जनरल इंश्योरेंस पर जीएसटी दर 5% करने की वकालत की। शनाय घोष से बात की जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। इस तरह से अभी बजट आ रहा है तो बजट में हमेशा इंश्योरेंस सेक्टर की मांग रहती है कि कुछ कुछ चीजें ये मांगी जाए, अगर ये मिल जाए तो उससे और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बजट की बात है कि नहीं, लेकिन टैक्स के मामले में कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स लगता है, जीएसटी कस्टमर को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर वो कम हो जाए तो इंश्योरेंस और अफोर्डेबल हो जाएगा कस्टमर्स के लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आप देखिए, अगर हेल्थ इंश्योरेंस आज सबसे बेसिक ज़रूरत है हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए, और सब बहुत कम लोगों के पास है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि कितने कम लोगों के पास आज हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर अगर आप 18% की जगह 5% लगाएंगे तो उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप ये खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अभी आईडी के नए गाइडलाइंस आए हैं, उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स को शामिल कर दिया गया है, और अभी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी भी आने वाली है जिसको किसी भी कंपनी से खरीदे उसके जो फीचर्स है वो बराबर होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या एक्सक्लूजन को शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, वो सब वो काम अभी ऑन है। मेरे हिसाब से जो IRDA ने किया है वो कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सक्लूजन को उन्होंने कम नहीं किया है, उन्होंने परमानेंट एक्सक्लूजन बहुत कम कर दिए, और उन्होंने सब एक्सक्लूजन को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो मतलब सबको साफ साफ पता है किस प्रकार के एक्सक्लूजन है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, पॉलिसी समझने की प्रॉब्लम होती है, क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है। ये स्टैंडर्डाइज करके IRDA ने ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ा दी है पॉलिसी की। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद RBI एक्शन मोड में है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को रेगुलेट करने के अधिकार पर RBI ने अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेज दी है। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या बदलाव किया जाए इस पर सिफारिश भेजी है। क्या है अहम सिफारिशें, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनका चाहे चेयरमैन हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे CEO हो, चाहे दूसरे डायरेक्टर हो, तो इन सबको बदलाव करने का अधिकार मिल जाएगा। इनकी नियुक्ति जो है एक तरह से कहें तो रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद होगी। तो रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार होगा कि अगर कहीं कुछ वो गड़बड़ी दिखती है, कहीं कोई लगता है कि योग्यता नहीं है या जो बोर्ड में लोग हैं वो काबिल नहीं है, तो रिजर्व बैंक उनको तुरंत बदल सकता है ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। इसके साथ ही जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट है उसमें भी जो उसके सेक्शन 122 और सेक्शन 123 हैं उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालत है उसके तहत ये है कि जो मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वो इस एक्ट के तहत ही रेगुलेट होते हैं। तो अधिकार जो मैनेजमेंट के बदलने का था वो केंद्र सरकार के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत उसके पास था, रिजर्व बैंक के पास नहीं था। तो ये जो दो कानून हैं इनमें जो है बदलाव होगा, और उसके बाद जो है रिजर्व बैंक के पास इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को रेगुलेट करने का पूरा एक तरह से अधिकार मिल जाएगा। अभी तक दिक्कत ये थी कि रिजर्व बैंक कहता था कि हम लाइसेंस देते हैं और रेगुलेटरी और सुपरविजन का काम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में छेड़छाड़ करने का किसी तरह का कोई अधिकार रिजर्व बैंक के पास नहीं था। तो ये अधिकार जब रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा तो एक तरह से जैसे जिस तरह से प्राइवेट बैंकों का सुपरविजन रिजर्व बैंक करता है, उनके मैनेजमेंट में अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसको ठीक करता है, तो वैसा ही अधिकार जो है रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा। और ये सुझाव जो है सरकार से मांगा गया था कि जो बजट सत्र है उसमें ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को बदला जाए, तो रिजर्व बैंक का क्या फीडबैक है और क्या क्या कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि रिजर्व बैंक और ताकतवर हो और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में जो पैसा रखने वाले डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को और प्रोटेक्ट किया जा सके।